लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, यह तो बताओ कि मैं इस वेश में लग कैसा रहा। भैया, पहले यह बताइए कि वृद्ध नागरिक के रूप में मैं कैसा लग रहा हूं। कोई मुझे पहचानेगा तो नहीं ना? कौन है भाई? जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, तुम तो कपिल से मानव बन चुके हो। तुम्हें भला कोई कैसे पहचान सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि कोई मुझे पहचान ले। भैया, सबने आपको बिना मूंछों के देखा है। मूंछ वाले लक्ष्मण की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई आपको कैसे पहचानेगा? चलो माना कि हमें कोई पहचानेगा नहीं, परंतु अब हम भैया राम को ढूंढने कहां, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हनुमान भैया, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और प्रभु श्री राम को ढूंढते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, जय श्री राम। रघुआ, मेरा मस्तक पीड़ा से फटा जा रहा है, पूरा बदन टूट रहा है। ये ज्वर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। चिंता मत कीजिए माई, आपकी ये पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। तू कितना भला है रे रघुआ। रघुआ, तूने आज तक ये नहीं बताया कि तू दिन में कहां चला जाता है और फिर रात होते ही तू यहां चला आता है और पूरी रात मेरी सेवा करता है और फिर सवेरा होते ही तू कहीं चला जाता है। माई, मुझे दिन में और भी कई काम करने होते हैं। कैसे काम? उन कार्यों के बारे में बताकर मैं आपकी चिंता बढ़ाना नहीं चाहता माई। बस ये समझ लीजिए, वो भी एक सेवा ही है। दिन में वहां सेवा करता हूँ और रात में यहाँ आप लोगों की। माई, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं लगती आपको? नहीं रे रखुआ, तेरे जैसा सेवा भावी सेवक तो हमें आज तक नहीं मिला। पर अचरज तो ये है कि तूने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा। माई, मांगने की आवश्यकता ही क्या है, जब बिना मांगे पेट भर भोजन मिल जाता है। तेरे स्वामी कहते हैं हम बड़े भाग्यवान हैं। एक हमारे राजा राम हैं, जिनके राज्य में सारी प्रजा स्वर्ग का सुख भोगती है, और एक तू है जो हमारी तन मन से सेवा करता है। जानता है रघुआ, आज गोमती बहन आई थी, उन्होंने कहा कि तू उनकी भी सेवा करता है। माई, जिन्हें सेवा की आवश्यकता हो उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए, और फिर मनुष्य का जीवन तो दूसरों की सेवा के लिए ही होता है। तेरी सेवा से मुझे कितना सुख मिल रहा है रघुआ,
परमात्मा तुझे भी जीवन भर सुख दे रखवा, हर प्रकार की प्रसन्नताएं दे। रखुआ, तूने विवाह किया या नहीं? मेरी बात का उत्तर दे रखुआ, तूने विवाह किया या नहीं? किया तो था माई, परंतु मैं अपनी पत्नी को सुख न दे सका। बस इसी बात का दुख लगा रहता है मुझे, और इसी दुख को भुलाने के लिए मैं सेवा करता हूं। अच्छा माई, मैं भोजन बना देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया, लगता है प्रभु श्री राम हमें अयोध्या की गलियों में नहीं मिलेंगे। तो फिर कहां मिलेंगे हनुमान? हो सकता है वो किसी घर में छिपे हो, परंतु हम प्रत्येक घर में झांककर देख तो नहीं सकते ना। तुम सत्य करो हनुमान, क्योंकि यदि हमने किसी के घर में झांकने का प्रयत्न किया तो वो घर वाला हमें अयोध्या वासी ना समझकर कहीं बाहर वाला समझेगा। कोई भी अयोध्या वासी किसी दूसरे के घर में झांककर नहीं देखता है। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम हमें देखकर अदृश्य हो जाएं और हम उन्हें इधर उधर ढूंढते हुए भटकते रहें? तुम ऐसी निराशा की बातें मत करो हनुमान। जय श्री राम। हम आज उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। मैं निराशा की नहीं भैया, संभावनाओं की बात कर रहा हूं। यदि भगवान शिव ने चाहा तो प्रभु श्री राम हमें अवश्य मिल जाएंगे। जय श्री राम। प्रभु, हम श्री राम का पता कैसे लगाएंगे? देवी, हम अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे। परंतु स्वामी, श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं, क्या वे हमें नहीं पहचानेंगे? देवी, क्या तुम नहीं जानती कि श्री राम इस समय मानव अवतार में हैं, और मानव अवतार की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं? नारायण नारायण, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों हनुमान को दिया वचन निभाने के लिए प्रकट हो चुके हैं। अब तो वे भी अपनी लीला दिखाएंगे श्री राम के साथ, जो पहले से ही लीलारत हैं। अब तो आनंद ही आनंद है। नारायण नारायण। देवी, नारद हमारा अनुसरण करने के लिए हमारे पीछे प्रकट हो चुके हैं, परंतु उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनके आने का आभास हो चुका है। ठीक है स्वामी, और वैसे भी नारद को ऐसे कामों में बड़ा आनंद मिलता है, वे हमारे पीछे आएंगे। हाँ देवी, वे अपने चंचल स्वभाव के कारण विवश। आओ देवी, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत अपना रूप परिवर्तित कर लेना चाहिए। परंतु स्वामी, नारद हम उनके दृष्टि से बच नहीं सकते, वे भी हमारी योजना के एक अंग है। देवी आइए। नारायण नारायण, लगता है प्रभु की लीला प्रारंभ हो चुकी है। देवी, इस समय हम काशी के ब्राह्मण लग रहे हैं ना? हाँ नाथ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या निकले। देवी,
वैसे भी अयोध्या नगरी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि वहां भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का निवास है। नारायण नारायण, उमा महेश्वर ने तो कर दिया मेरे ही साथ नारायण नारायण। नारद, अब तो तुम्हें भी कुछ करना होगा नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, ये वेश ठीक है, परंतु यदि मैं इस वेश में उमा महेश्वर का पीछा करूंगा तो कहीं लोग मुझे ब्राह्मण के वेश में चोर ना समझ बैठे। नारायण नारायण, मुझे उनसे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाँ है, उमा महेश्वर कहाँ गए?